सीरियल तो उसे नैना मिलाई के में खुलेगा बहुत बड़ा राज। कुह की असली पहचान का आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि भाई कुह की बेइज्जती तो काफी हो चुकी है, लेकिन कुह की असली पहचान क्या है ये अभी तक आज तक किसी को नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, भाई कुह को जिस तरह से घर वाले नौकर समझ रहे हैं और देव नारायण उसका तिरस्कार कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसे दासी बना कर रखा हुआ है, लेकिन अब खुलने वाला है बहुत बड़ा राज। शो मेकर्स लेकर आने वाले हैं तूफानी एपिसोड की सीरीज, जिसके बाद यहाँ पर कुह की असली पहचान दिखाई जाएगी। देखने को मिलने वाला है कुह लेने वाली है अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, यानी कि अब कहानी लेने वाली बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिसके बाद कुह की असली पहचान की एक नई कहानी शुरू होने वाली है। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भाई शो मेकर्स इनडायरेक्टली शो मेकर्स यहाँ पर व्यूअर्स को ये दिखाने की कोशिश में होंगे अब कि कुह यहाँ पर बहुत ही बड़े खानदान की बेटी है, इतने रईस खानदान की बेटी है जिसका देव नारायण ने कभी सोचा भी नहीं होगा। देव नारायण जैसे तो कुह के घर में नौकर रहते हैं। देखने को मिलने वाला है यही सबसे बड़ा ट्विस्ट कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़े रईस खानदान की एंट्री होने वाली है, जिसके आने से देव नारायण यहाँ पर उसके होश उड़ने वाले हैं। दरअसल वो एक बहुत ही बड़े बिजनेस डील के लिए आने वाले हैं और यहाँ पर अपने बहुत ही बड़ा घर यहाँ खरीदने वाले हैं और उसी के चलते यहाँ पर काफ़ी सालों बाद वापस लौट कर आ रहे हैं और उसके पीछे की कहानी भी कुहू से ही जुड़ी हुई है। काफ़ी सालों पहले कुहू जो है यहीं पर रख दी गई थी, वो भी उसी के दादी के द्वारा, क्योंकि उन्हें काली लड़की नहीं पसंद थी और उन्हें लगता था कि उनके रईस खानदान में ये दाग है और इसीलिए कुहू अपने अभी वाले जो पेरेंट्स से उन्हें वो उसे ले गए थे और उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन इसका सच आज तक किसी को नहीं पता है। लेकिन वो फैमिली काफ़ी सालों बाद वापस लौट कर आ रही है, जहां पर कुह की माँ आज भी अपनी छोटी सी बच्ची को ढूंढते नजर आएगी और जब उसका कुह से आमना सामना होगा तो उसे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील होने वाला है। तो जल्द ही यहाँ पर अब कुह की असली फैमिली की एंट्री होगी, जो देव नारायण के भी होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि भाई वो है ही इतने रईस। देखना दिलचस्प होगा इस नई फैमिली के आने से कहानी कितना नया मोड़ लेती है।